हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षदीप्स किचन। तो दोस्तों, आपको ये टेम्पटिंग सब्ज़ी दिख रही है ना, आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब्ज़ी दिख रही है ना, एकदम शादियों वाली सब्ज़ी की जैसी। तो चलिए फिर हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना, ये बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए है, आधी कटोरी दही, आधी कटोरी मूँगफली, आधी कटोरी नारियल और अदरक लहसुन लिया है आधी कटोरी, उसके बाद एक चम्मच चना दाल और कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर ना, मैंने बैंगन को ऐसे दोनों साइड से चीरा लगा कर लिया है, ताकि हम जो मसाला बनाएंगे ना, वो उसके अंदर स्टफ कर सके। तो चलिए हम आगे की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना, मैंने पैन में मूंगफली को डाल दिया है, इसे हमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। तो मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। अभी उसी पैन में हम डाल देंगे नारियल, नारियल को भी हमें इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अभी हमारा नारियल भी अच्छे से भुन चुका है, ऐसे भी हम इसी प्लेट में निकाल देंगे। अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाले और चने की दाल। आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चने की दाल जल्दी भुनती नहीं है ना, इसलिए। अभी इसे भी हम अच्छे से भुन लेंगे। अभी ये सारी चीज़ें ना, हमने ड्राई ही भून ली है, इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही इसका पाउडर बनाना है हमें। तो अभी ये भुनी हुई चीज़ें हमने मिक्सी के जार में डाल दी है। इसी के अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन और उसके बाद हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर और दो चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो यहाँ देखिए, हमने ना अच्छे से इसे पीस लिया है, उसमें हमें पानी नहीं डालना है और हमने थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता भी ले लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बैंगन हमने कट करके रखे है ना, उसके अंदर ये मसाला भर देंगे। इस तरीके से हम बैंगन को चारों साइड से फैलाकर उसके अंदर मसाला डालेंगे और अच्छे से प्रेस करके मसाला उसके अंदर भर देंगे। इसी तरीके से ना, अभी हम सारे बैंगन में मसाला डालेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने सारे बैंगन में मसाला भर दिया है। अभी उसी पैन में हम ना तेल डालेंगे, चार चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच राई। अभी राई अच्छे से चटक गई है। अभी राई के बाद हम डाल देंगे करी पत्ता, इसे भी हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हमने जो मसाले भर के रखा है ना बैंगन के अंदर, वो बैंगन हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ना, सारे बैंगन हमने अच्छे से डाल दिए हैं। तो इसे तेल में ही हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। देख सकते हो आप, बैंगन का कलर कितना अच्छे से चेंज हो चुका है। अभी बैंगन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद हमने जो मसाला बचा के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला हम जितना अच्छे से भुनेंगे ना सब्ज़ी में, उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मसाला भुन गया है, उसके बाद हमने जो आधी कटोरी दही लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। अभी इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे जल्दी से। अभी दही डालने के बाद ना, हमें इसमें पानी नहीं डालना है तुरंत, अच्छे से इसे कम फ्लेम में हमें थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने ढक्कन लगाकर पका लिया था, उसके बाद हमने ना इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सब्ज़ी में एक उबाल आ चुका है। हमने ऊपर से डाला है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। अभी ना हमें गैस की फ्लेम लो करनी है और इसे बैंगन सॉफ्ट होने तक रख देना है ढककर ही।
तो अभी 10 मिनट के बाद हमने इसे खोलकर चेक कर लिया है। तो देख सकते हो अब बैंगन हमारा एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट पक चुका है। तो यहाँ पर हमारी ये शादियों वाली बैंगन की सब्ज़ी एकदम तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर अभी हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। देख सकते हो अब एकदम ठीक सब्ज़ी बन चुकी है हमारी और एकदम मस्त खुशबू आ रही है इससे। खाने में तो एकदम बढ़िया लगती है। आप चाहे तो इसे राइस के साथ, चपाती के साथ या फिर ज्वारी या बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।